हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। बच्चों में जो मानसिक बीमारी होती है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर, ये कॉमनली पाई जाती है, बच्चों में होता है ये कभी कभी। मानसिक बीमारियाँ कई प्रकार की होती है, उनमें से कुछ बच्चों में भी हो सकती है। तो आज हम ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें से एक डेफिनेशन जो है उसमें से ही अपने को पता चल सकता है कि ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर मतलब कई बच्चे हम देखते हैं सोसाइटी में जो बात नहीं मानते, जो बताया जाए उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं, और किसी बहुत तंग करते हैं, गुस्सा होते हैं। तो ये बीमारी क्या है ये मैं आपको आज बताऊँगी। तो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में जो नाम में उसके आता है, जो ऑपोजिशनल है मतलब जो उसको बताया जाए उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वो करेगा। सेकंड इज़ डिफाइंस मतलब बहुत रेजिस्टेंस होता है, जो भी उसको बात हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें तो वो उसके बिहेवियर में लाने में बहुत रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो नहीं मानेगा जो करने को बोले उसका नहीं मानेगा, जो ऑपोजिट ही करेगा। तो ये क्यों होता है और ये कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हर एक बच्चे में किसी ना किसी प्रमाण में ये बातें होती है कि बात ना मानना, खुद जो चाहिए वो करना, पर इसको डिसऑर्डर कब बोला जाए ये मैं आपको आज बताऊंगी। ये यूजुअली बहुत छोटे बच्चों में तो ये नॉर्मल है, पर एक बार एडोलेसेंस में जब बच्चा आ जाता है, दैट इज़ 11 to 17 ईयर्स में, जब 6 महीने के दौरान के लिए मतलब 6 महीने या ज़्यादा के दौरान के लिए, अगर ये जो मैं आगे जो 3 चीज़ें बताऊंगी अगर वो होंगे तो हम बोल सकते हैं कि उसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है। वो 3 चीज़ें क्या है, मतलब पहली चीज़ है एंग्री और इरिटेबल मूड, मतलब वो बच्चा हमेशा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता है। कोई कुछ भी छोटी सी बात उसके मन के विरुद्ध में कर दे तो उसको चिड़चिड़ापन होता है, और गुस्से में रहता है, गुस्से से बात करता है, गुस्से से रिएक्ट करता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात है आर्ग्यूमेंटेटिव और डिफाइंट बिहेवियर, मतलब यानी कि क्या आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहुत बहस करना, स्पेशली बड़ों के साथ, बड़ों के साथ, अथॉरिटी फिगर्स के साथ, टीचर्स के साथ, जिनके प्रति हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए उनके साथ बहुत बहस करना, हद से ज़्यादा बहस करना, खुद वो जो सोचता है वही थोपना लोगों के ऊपर कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, और लोगों के साथ बहस करना। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी चीज़ है विंडिक्टिव बिहेवियर। विंडिक्टिव बिहेवियर यानी रिवेंज, जो बदले की भावना रखना मन में, मतलब कोई किसी व्यक्ति ने उसको कुछ दुख पहुंचाया हो तो वो याद रख के उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ करना, मतलब कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद वो चीज़ उसके मन में रह जाती है और वो चीज़ मन में रख के वो बिहेव करता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये अगर पाई, अगर किसी बच्चे में हम पाते हैं 6 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए, और वो हमेशा मतलब ऑलमोस्ट डेली उसके बिहेवियर में दिखता है, मतलब गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, बहस करना लोगों के साथ, बड़ों के साथ स्पेशली, और तीसरी है कि बदले की भावना रखना, ये अगर 3 चीज़ें होती है तो हम बोल सकते हैं कि उसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है। तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर हो सकता है इसके कारण वो ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बच्चों के प्रति माँ बाप या फिर टीचर्स गुस्से से बर्ताव करते हैं। ऐसा अगर कोई बच्चा बिहेव करता है तो उसको पनिशमेंट्स मिलती है, घर में बहुत उसको बोला जाता है, स्कूल में बोला जाता है, उसके फ्रेंड्स उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इसके ये सब के वजह से वो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो सकता है इस चीज़ के लिए। तो ये बिहेवियर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और पहचानने के बाद इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। साइकेट्रिस्ट आपके जो भी एरिया में आप रहते हैं उस वो एरिया में कोई भी साइकेट्रिस्ट होगा तो आप उनके पास जा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। हम अकोला में प्रैक्टिस करते हैं केड़कर हॉस्पिटल में, तो आप कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपके सराउंडिंग कोई ऐसा बच्चा है, आपके रिलेटिव में है, आपके नेबरहुड में है, तो आप ये पहचान सकते हैं।
तो ट्रीटमेंट में इसके क्या होता है? तो ट्रीटमेंट बेसिकली ओडीडी मतलब ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट काउंसलिंग या फिर साइकोथेरेपी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई गोली या फिर वो उसको कोई बहुत बड़ा मानसिक आजार है, ऐसा नहीं है। पर ये पहचानना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी काउंसलिंग किया जाता है जिससे ये बर्ताव बदला जा सकता है। उसमें मेनली ये क्यों होता है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर क्यों हो सकता है? एक तो है बच्चे का टेम्परामेंट रहता है, एक हर एक बच्चे का जो मूड रहता है उसके हिसाब से वो काम करता है। दूसरी चीज़ है माता पिताओं का बर्ताव कैसा है, माता पिताओं का बोलना कैसा है, माता पिता के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है देखना कि घर में कैसी बातें चलती है, घर में क्या बातें चलती है। अगर माता पिताओं का नेचर ऐसा रहेगा कि वो खुद ही बहुत खुद की बात सही ठहराते हैं, ऐसा अगर माता पिताओं का स्वभाव रहेगा तो ऐसा बच्चे भी उनको देख के ऐसा बिहेव कर सकते हैं। तो काउंसलिंग सेशंस में हम बेसिकली देख सकते हैं कि घर का वातावरण कैसा है और वो चेंज कैसे किया जा सकता है, ये हम देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके कोई काम का आया हो, और अगर आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको अगले वीडियोस में और कुछ जानकारी ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।